प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज हम लोगों के साथ में मंच पर बैठे, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, विधान परिषद के सम्मान्य सभापति नंद गोपाल नंदी जी, अनिल राजभर जी, मोहसिन रजा जी, हमारे सामने बैठे हुए आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्या जी, उपेंद्र तिवारी जी, राम नरेश जी, निर्मल जी और सभी सम्मानित अधिकारीगण, आज पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश महात्मा गांधी का जयंती मना रहा है। मैं इस अवसर पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जो 10 छात्र हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं बारी बारी से उनका नाम पुकारूंगा और वो लाइन से यहां पर आ जाए। और माननीय राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि वो उन 10 चुने हुए छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र वितरण करने का कष्ट करें। मैं सबसे पहले अनिरुद्ध को बुलाना चाहूँगा, उसके बाद रुचि है, ये जल्दी से आ जाए। अनिरुद्ध, रुचि, शीघ्रता करें। आपको पहले भी कहा गया था कि यहाँ पर पीछे मंच पर खड़े रहेंगे। अनिरुद्ध है, इनके उत्साहवर्धन के लिए मुझे जरूर कार्य करना है, आपको भविष्य के लिए। रुचि, कृपया मंच पर आए। रुचि, मैं उपस्थित अतिथिगणों से अनुरोध करूंगा कि इनके भविष्य की सुरक्षा के लिए जरूर कार्य हो जाए। रचना, इसके उपरांत में रचना जल्दी से है। रचना, इसके उपरांत राज निर्मल, राज निर्मल, राज निर्मल के उपरांत विमल है, अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। राज निर्मल जल्दी से है, विमल, अदिति शर्मा, जोरदार तालियों का स्वागत। इसके साथ मारिया खातून, मारिया खातून, और अंत में है सुमन कुमारी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय राज्यपाल योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी, सभापति विधान परिषद श्री मानवेंद्र सिंह जी, मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता जी, मंत्री श्री अनिल राजभर जी, रमापति शास्त्री जी, अपर मुख्य सचिव श्री हेमंत राव जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और प्रणाम करती हूं। इस वर्ष सारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत आज के समारोह में उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश सरकार में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण श्री रमापति शास्त्री जी, श्री नंद गोपाल नंदी जी, अनिल राजभर जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उपेंद्र तिवारी जी, मोहसिन रजा जी,
विधान परिषद के माननीय सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन श्री हेमंत राव जी और इस समारोह में उपस्थित हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आज हम सब के लिए देश की आज़ादी के आंदोलन के दो महान योद्धाओं और आज़ाद भारत को एक नई दिशा देने वाले दो महापुरुषों के पावन जयंती कार्यक्रम में यहाँ पर हम सबको सहभाग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले आज के इस आयोजन के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं पावन जयंती और देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी पावन जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से इन दो महापुरुषों के चरणों में कोटि-कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोकर सशक्त राष्ट्र बनाने में अप्रतिम भूमिका का निर्वहन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस 2 अक्टूबर हम सबको महात्मा गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों व उनके सद्विचारों के अपनाने के साथ ही उनके पदचिन्हों पर चलने का सुअवसर प्रदान करता है। गांधी जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय सभापति जी का मैं अत्यंत आभारी हूँ कि आपने बहुमूल्य समय दिया। मैं माननीय समाज कल्याण मंत्री जी का, माननीय पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री जी का, माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी का, माननीय अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री जी का भी आभारी हूँ कि आपकी प्रेरणा से हम सब यह छात्रवृत्ति वितरण कार्य करने में सफल हुए। मैं मुख्य सचिव महोदय का भी आभारी हूँ जिनका निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। सभागार में उपस्थित सम्मानित अतिथियों, छात्र छात्राओं, भजन गायन करने वाले कलाकारों, मीडिया के साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ।